हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। आज के इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया, ठीक है दोस्तों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस और ए हार्ट कार्ड, ठीक है। अब बीच में और आ गया और मैंने आपको बताया था जब भी और आ जाए तो वहाँ पे ए और बी का फार्मूला लगता है। ए और बी किन के बीच में और आया? एक तो इसके बीच में, एक इसके बीच में, यानी कि ये इवेंट है, इसको इवेंट ए मान लेते हैं और इसको इवेंट बी मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि मुझे प्रोबेबिलिटी ए और का मतलब यूनियन होता है, ये निकालना है, ठीक है। हाँ जी, अब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी के दो फार्मूले होते हैं। फार्मूले क्या क्या होते हैं? जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो फार्मूला ये होता है, और ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। आइए पहले चेक करते हैं इवेंट ए में किस टाइप के एलिमेंट हैं। इवेंट ए क्या है? इवेंट ए क्या कह रहा है वो? इवेंट ए का फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। यहाँ तक पढ़ो, एन एस। एस क्या बोलते हैं? यक्के को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जो ए होता है, ऐसे होता है कार्ड में जो ए होता है ना, उसको एस बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब टोटल कार्ड में कितने एस होते हैं? 4 एस होते हैं, ठीक है। 4 एस होते हैं, और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो टोटल कार्ड में 4 एस होते हैं, A1, A2, A3 और A4, ठीक है। 4 डिफरेंट कलर के 4 एस होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी? टोटल 4 है और टोटल कार्ड कितने? 4/52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई? 4/52। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है 4/52। ऐसे ही इवेंट बी की देखते हैं। इवेंट बी क्या कह रहा है? वो कार्ड हार्ट होना चाहिए, हार्ट कार्ड। हार्ट का अर्थ पान, हिंदी में बोलते हैं पान, ठीक है। और 52 कार्ड में से कितने कार्ड पान के होते हैं? 13 कार्ड पान के होते हैं। इवेंट बी क्या है जिसमें 13 कार्ड क्या है? पान के हैं, ठीक है दोस्तों। 13 कार्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी? ऐसी बी में कितने एलिमेंट हैं? 13, और टोटल कितने होते हैं? 52, 13/52, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं चेक करूँगा ए और बी में कॉमन एलिमेंट है कोई, चेक करूँगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, बी में कितने एलिमेंट है? 13 एलिमेंट है, यानी कि 13 पान के कार्ड हैं। तो कैसे होंगे? ए होता है यानी कि एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार, उसके 13 कार्ड होते हैं। किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, 10 होता है, ऐसे ऐसे आते रहते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे अगर आप यहाँ देखें, इवेंट ए ये रहा और इवेंट बी ये रहा, इन दोनों में कुछ कॉमन है? आप देखें, अगर इवेंट ए क्या था, उसमें 4 कार्ड थे, 4 कार्ड एस थे, यानी कि 4 कार्ड इक्के बोलते हैं उसको, इक्के थे, ठीक है दोस्तों। और बी में क्या थे? 1 से लेके 13 कार्ड थे, पान के कार्ड थे। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये इवेंट एक, ये पान का एक है, ठीक है। और यहाँ पे भी 4 में से 1 का है ना, कि पान का एक होगा, मान लीजिए ये पान का एक है, ये दोनों में कॉमन है ना, ये दोनों में क्या कॉमन है? ये कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? हार्ट ऑफ एस, ये दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी? दोनों में कितने कितने एलिमेंट कॉमन है? एक ही एलिमेंट कॉमन है। और इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? एक, और टोटल के पत्ते कितने? 52, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझा होगा। पहले ए इंटरसेक्शन बी में देखें कितने एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी से यहाँ लिख लो, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बटे में टोटल नंबर, टोटल नंबर 52 है, तो ये आ गई, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला की ओवर है, तो यूनियन फार्मूला अप्लाई कर दो तो ये वाला फार्मूला लेगा। हाँ जी, क्या है? ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52, और बी की क्या है? 13/52, और माइनस की 1/52, ठीक है। तो हाँ जी, 52 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, 52 क्या आ गया मेरे पास? एलसीएम आ गया। 13 और 4 17 माइनस 1, तो 16/52, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे कि कितने पे गया? 8 दूनी 16 और 26 दूना 52, और कितने पे गया ये? 2 चौके 8 और 13 दूने 26, ठीक है। तो आ गया 4/13, ठीक है। और 4/13 क्या है? ए। तो ए क्या आ जाएगा? मेरा राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। ए डाई थ्रो, ए डाई को थ्रो किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2 और 3। और आ गया ना, ठीक है। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इस इवेंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ये तो मुझे पता चल गया, मुझे ए यूनियन बी निकालना है। जहाँ पे और आ जाए तो ए यूनियन बी निकालना पड़ता है, ठीक है। अब इवेंट क्या क्या है? इवेंट लिखते हैं। हाँ जी, पहले तो डाई थ्रो की, डाई थ्रो की तो सिंपल स्पेस क्या होता है मेरे पास?
एक डाई थ्रो की गई तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सैंपल स्पेस होता है। अब इवेंट ए का मेरा जो इवेंट ए है वो मल्टीपल ऑफ टू, मल्टीपल ऑफ टू इवेंट ए में किस किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, मल्टीपल ऑफ टू, इन छः में से मल्टीपल ऑफ टू कौन कौन से हैं, 2 4 6 तीन एलिमेंट हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ जी इवेंट बी, इवेंट बी के मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री के मल्टीपल कौन से हैं, 3 और 6 दो ही हैं, ठीक है। अब हाँ जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का फार्मूला इन दोनों में से एक होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, 3/6 ही आ गया। सेम ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लो, वो क्या आएगा, 2/6, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मुझे चेक करना है दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं, यानी इनके बीच में कॉमन है कि नहीं, आइए देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, यानी कि इनमें एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है जो वो कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी के 6 6, यानी कि एक एलिमेंट कॉमन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी कितनी हो गई, यानी कि कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट कॉमन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो क्या आ गई, 1/6, ठीक है दोस्तों। अब सभी चीज़ें मेरे पास हैं, अब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ये फार्मूला का लगा देते हैं फार्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 3/6 + 2/6 - 1/6, इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ पे सोल्व कर लो, 6 LCM आ गया, 3 और 2 5 और -1, 3 और 2 5 5 में से एक गया 4/6, यानी कि 2/3, और 2/3 क्या मेरा ए, तो मेरा ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है स्टेटमेंट पर देता हूँ मैं, 2 अनबायस्ड डाई आर थ्रोन, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए डबलेट और ए टोटल ऑफ 10 विल अपीयर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे और लिखा है, तो मुझे नॉर्मल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ए क्या है और बी क्या है, हाँ जी ये इवेंट ए है मेरा और ये इवेंट मेरा बी है, ठीक है। अब इवेंट ए में देखते हैं किस टाइप के एलिमेंट हैं, इवेंट ए को लिखते हैं, पहले देखते हैं सैंपल स्पेस क्या है। 2 डाई थ्रो की गई तो सैंपल स्पेस क्या होता है, पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, ऐसे करते करते 6 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होते हैं, मैंने आपको बता रखा, वो होते हैं 36। 2 डाई को थ्रो करते हैं, सैंपल स्पेस 36 का आता है, ठीक है। अब पहले इवेंट ए देखते हैं, इवेंट ए क्या है, गेटिंग ए डबलेट, डबलेट क्या होता है, दोनों डाइयों के ऊपर सेम सेम आए, तो वो कौन कितने, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 और 6 6, ठीक है दोस्तों। ये था डबलेट, ठीक है, यानी कि दोनों डाई के ऊपर सेम सेम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई 6/36। उसके बाद देखते हैं इवेंट बी, इवेंट बी क्या है, ए टोटल ऑफ 10 विल अपीयर, यानी कि जो दोनों डाइयों के ऊपर नंबर है उनका सम क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो इवेंट बी में किस किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, आइए देखते हैं। पहले एलिमेंट होएगा 4 6, इन दोनों का सम करके देखें, पहले डाई के ऊपर 4 आ जाए, दूसरे के ऊपर 6 आ जाए, सम 10 है। उसके बाद 6 4 और एक 5 5 भी आएगा, तीन टाइप के एलिमेंट आएंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी यहाँ से, 3/36, ठीक है। उसके बाद चेक करता हूँ इवेंट ए और इवेंट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं, दोनों में कॉमन देखो, ये एलिमेंट यहाँ भी है, यानी कि दोनों में कॉमन एक एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया मेरा, 5, यानी कि दोनों में ये एलिमेंट कॉमन है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हाँ जी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, इवेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने हैं, इसको काउंट करेंगे, एक ही है ये, 1, और बटे में टोटल कितने, 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का आ गया 1/36 आ गया, ठीक है। ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे तीनों वैल्यू, ये 6/36 था और ये 3/36 1/36, तो आंसर क्या आ गया, 6/36 + 3/36 और माइनस के 1/36, ठीक है दोस्तों। हाँ जी तो 36 क्या आ गया मेरा, LCM आ गया, 6 और 3 9, 9 में से गया 8, 8/36, इसको काट दिया, 2 चौके 8, 18 2 36, 2 2 4 और 2 में 18, तो आंसर क्या आ गया, 2/9, और 2/9 क्या मेरा ए, तो मेरा ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ आइदर की जगह पे क्या आ जाए, नाइदर आ जाए, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में, और यहाँ पे आ जाए नोर आ जाए, जहाँ पे भी नाइदर और नोर वाली कंडीशन आ जाए वहाँ पे हम क्या निकालते हैं,
ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको ये बताया था, ये इक्वल टू होता है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये इक्वल टू इसके बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सारे का नोट, ठीक है दोस्तों। और आपको एक रिजल्ट पता है, किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। अब इस चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं उसको वन माइनस के होने की प्रोबेबिलिटी में से निकाल देते हैं इसको, हाँ जी। और वन माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आया था, 2/9 अभी भी निकाल कहते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/9, तो 7/9 इधर नोर वाली कंडीशन में क्या आ जाएगा 7/9 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ आएगा इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।